Palustre, Chapter 9, Life of Early Man. We do not know the exact place of the origin of mankind. However, evidence indicates that human species may have developed in Africa, as this area has favorable climatic condition for the evolution of human life. बताया जाता है कि अफ्रीका में मानव जाति का विकास जो शुरू हुआ, मानव जाति का सबसे पहला उद्भव का जो भी एविडेंस है वो हमें अफ्रीका से मिलता है. इट इज़ बिलीव दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पीसीज मे हैव वंडर्ड टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, और वहाँ से ही ये लोग एशिया, यूरोप और अमेरिका में पहुँचे. Our information about the life of the early man is based on the remains of object, fossils and tools that have been excavated from different part of the world by the archaeologist. अब उस समय तो कोई रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं, तो उस समय जो वस्तुएं मिली हैं, पत्थर मिले हैं, उनके औजार मिले हैं, उसके अनुसार जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अनुमान लगाते हैं कि इस तरह का रहा होगा. Most of the tools are made up of stone. The period when the stone tools were used is known as Stone Age. अधिकतर उस समय stone tools का use किया जाता था, इसीलिए उसको Stone Age कहा जाता है. Stone Age, it is divided into three main phases. इसको तीन भागों में बांटते हैं. Palaeolithic Age, Old Stone Age. Mesolithic Age, Middle Stone Age. Neolithic Age और New Stone Age. Okay? Paleo means old and lithic means stone. The Paleolithic man prepared stone tools to defend himself from wild animal. अब Paleolithic man जो बनाता था stone tool वो किस लिए बनाता था? वो बनाता था अपने आप की सुरक्षा के लिए. कभी उसने पत्थर उठाया होगा, जानवर उसके पास आया होगा, मान लो कुत्ता ही कोई आया होगा और उसने उसको भगाने के लिए पत्थर उठा के मारा होगा, तो उसको लगा होगा कि अरे इससे तो ये डरता है, तो उस दिन से उसने उसको टूल्स के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया. ही ऑल्सो यूज देम फॉर हंटिंग एनिमल्स, चॉपिंग मीट्स, कटिंग वुड्स एंड डिगिंग. अब इसका इस्तेमाल वो जानवर शिकार करने के लिए, मीट काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए और गड्ढा खोदने के लिए करना शुरू कर दिया. द टूल्स वेयर नॉन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स. अब ये जो टूल्स थे वो कोर मीन्स लार्ज स्टोन टूल्स एंड फ्लेक मीन्स द फ्लेक टूल्स वेयर फॉर्म व्हेन फ्लेक ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन स्ट्रक्स और फ्रॉम अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन. मैंने बड़े लार्ज स्टोन से टूट के जो पीसेस बनते थे, थोड़े नुकीले होते थे, तो उसको फ्लेक कहा गया. फ्लेक का यूज़ किस लिए करता था वो? तो फ्लेक का वो लकड़ी छीलने के लिए, किसी चीज़ को खुरचने के लिए इसका यूज़ करता था, फ्लेक टूल्स का यूज़ करता था. दिस टूल्स वेर कर्ड एंड अनपॉलिश्ड. द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉज फूड हंटर एंड गैदरर. द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वेन एक्सीडेंटली डिस्कवर फायर बाय रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर. अब कभी वो टूल बनाते समय ही एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकरा रहा होगा तो चिंगारी निकली होगी और आग लग गई होगी, और आग में कोई कहीं मरा हुआ जानवर होगा तो पक गया होगा, तो उसको लगा उसको जब वो खाया होगा उसने तो लगा ये तो जो मैं कच्चा खाता था उससे तो ये अधिक टेस्टी लग रहा है. तो इस तरह से वो अब फायर का इन्वेंशन हो गया और उसने आग में पका करके खाना शुरू कर दिया जानवरों को. Some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, Hunsangi and Kurnool. तो ये इस तरह के remains भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इस तरह के remains भारत में Bhimbetka, MP, you study in a class 4 also, Hunsangi, Karnataka, Kurnool caves, आंध्र प्रदेश. ओके, देन मैसोलिथिक. मैसो मीन्स मिडिल, हैंस
This age refers to the period between Paleolithic and Neolithic age. The tools are implemented of this period improve gradually. Men start using horn and bones in addition to the stone tools. अब मेसोलिथिक में आते आते मनुष्य ने बोन्स और हॉर्न का भी औजार बनाना शुरू कर दिया. देखा कि इससे ये थोड़ा और कारगर होते हैं, स्टोन से अधिक कारगर हो रहे हैं, तो उसने बोन्स और हॉर्न्स का भी टूल बनाना शुरू कर दिया. हॉर्न मतलब सिंग. ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन टू स्टिक एंड यूज देम टू हंट एनिमल. अब उसमें देखा कि अरे दूर का एनिमल है, उसको कैसे मारा जाए, तो उसके लिए उसने उसमें स्टिक का प्रयोग किया. स्टिक लगा लिया तो लकड़ी में बांध करके जब वो फेंकता था तो दूर तक जाता था, तो इससे इसका आविष्कार हो गया. द मैन ऑफ न्योलिथिक एज स्टार्ट मेकिंग हार्ट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री. ही कंटिन्यू टू ईट अ वेराइटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स एंड फिश एज हिज एंसेस्टर. और मेसोलिथिक पीपल जो था अपने एंसेस्टर्स की तरह ही, यानी पैलियोलिथिक एज के मैन की तरह ही, वो भी नट्स, बेरी, सीड्स, फिश खाता था. और ग्रेजुअली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. इसी क्रम में कभी कोई बीज कहीं गिर गया होगा, वो पौधा उगा होगा, तो उसका वो देखा होगा कि अरे एक बीज से इतने सारे बीज तैयार हो रहे हैं, तो उसने खेती करना शुरू किया होगा, तो वो फूड प्रोड्यूसर बना. तब फूड प्रोड्यूसर बना तब महसूस हुआ होगा कि जब ये फसल कटेगी पकेगी तब तो हमको यहाँ से जाना होगा, तो सेटल उस जगह पर सेटल होना शुरू किया. और पहले जो मनुष्य था वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में बस रहा था. पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों बस रहा था, तो इसका कारण ये था कि उसे स्टोन की आवश्यकता थी, क्योंकि स्टोन से टूल बनाता था वो, तो नदी मैदानी भागों में जाकर के वो बसता, तो वहाँ पर वो स्टोन के टूल्स नहीं बना पाता, स्टोन उसको नहीं मिल पाते. एंड ही मूव क्लोज टू वाटर सोर्स लाइक रिवर एंड लेक्स. अब जब खेती करना आरंभ किया तो सोचा कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में तो उतना ही भोजन होता है जितना वो खा सके, मतलब कि अपना काम मुश्किल से चला सके, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट कहाँ होना शुरू हुआ, जहाँ पे पानी का सोर्स था. द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड इन द सॉयल टू ग्रो प्लांट्स. इट ऑल्सो स्टार्ट टैमिंग एनिमल्स. हाँ, अब वो जानवरों को पालतू बनाना भी सीख गया था, लाइक काउ, गॉड, शीप एंड पिग, दैट सर्व हिज नीड्स, जिससे कि उसकी बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो सके. इट इज सेड दैट डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन. और कुत्ता जो पहला जानवर था जिसको उसने पालतू बनाया. द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन ऑफ एनिमल्स. अब अपने को सर्दी से, गर्मी से, बारिश से बचाने के लिए वो क्या करता था, तो जानवरों की जो छाल होती थी उसी से, उसी को ओढ़ करके अपने को सेव करता था ठंड के समय. द इन इंडिया मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंगमपुर. नाउ यू सी दिस मैप. मेसोलिथिक डॉट्स बना हुआ है मेसोलिथिक का. मेसोलिथिक पीरियड उज्जैन, उज्जैन आर हियर भीमबेटका के नीचे. अब उज्जैन से साइड में आओ सिंगमपुर, सिंगमपुर के बाद चंदौली, चंदौली इधर है जोरवा के नीचे. इधर देखो आप किस साइड में, वेस्ट साइड में गुजरात से नीचे, महाराष्ट्र वाला एरिया जो है जोरवा और चंदौली, दीज साइड्स आर फाउंड इन इंडिया रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड. ओके, देन न्योलिथिक एज. न्योलिथिक एज, न्यू मीन्स न्यू. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर न्यू स्टोन टूल्स विच वेयर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर. अब इस समय आते आते मनुष्य थोड़ा और हार्ड स्टोन का टूल बनाना शुरू कर दिया. ही बिकम अ स्किल्ड टूल मेकर.
अब तक वो एक अच्छा इस टूल बनाना शुरू कर दिया था. ही स्टार्ट पॉलिश एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स. और इसके लिए वो थोड़ा धार भी लगाना शुरू कर दिया था. मैं धारदार बनाता था हथियार को. द लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल वॉज नॉट कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज दे वर गुड हंटर. दे लर्न टू ऑर्गेनाइज हंटिंग एंड स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग विंटर. अब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर भी हो गया था. और फूड प्रोड्यूसर के बाद फूड को संजो के रखने वाला भी हो गया था. वो ज़्यादा था कि लंबा जो विंटर का सीजन आएगा उसके लिए वो फूड को कलेक्ट करके रखना शुरू कर दिया. द न्यूलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. द डेड वेर ब्रीड एलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट लाइक बेड्स बोर्ड्स टूल्स इवन हर पेट एनिमल्स ऑल्सो. जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी की मौत हो जाती है तो वो लोग क्या करते थे, उसके कब्र में ही सारी जरूरी सामान जो भी जरूरत के सामान रहते थे उसके साथ ही दफन कर देते थे. कि उनको लगता था कि दूसरी दुनिया में जब व्यक्ति जाएगा तो उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी. हिज वेपन इंक्लूड स्टोन एक्स स्पीयर्स हार्पून्स वुड बॉज. द प्लेस रिलेटेड टू द नियोलिथिक एज इन इंडिया आर बुर्जाहोम मेहरगढ़ चिरान दरजौली कोल्डी हुआ. द प्लेस इन द इंडेक्स लास्ट रिटन हियर नियोलिथिक साइट्स. नियोलिथिक साइट्स कोल्डी हुआ मेहरगढ़ चिरान कोल्डी हुआ मध्य प्रदेश मेहरगढ़ अल्सो मध्य प्रदेश और चिरान इन साइड ऑफ यूपी और एमपी आल्सो एमपी एंड मेहरगढ़ दिस साइड आर इन पाकिस्तान एंड बुर्जाहोम कश्मीर. ओके द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब इसका नियोलिथिक पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण जो लोग की खोज थी वो थी व्हील. दे ऑल्सो यूज व्हील फॉर एक्टिविटी लाइक स्पिनिंग एंड पॉटरी. और इसका यूज वो पॉटरी बनाने में करना शुरू कर दिया. द मैन ऑफ नियोलिथिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पॉटरी. जो नियोलिथिक मैन था वही उसी ने सबसे पहले पॉटरी बनाना शुरू कर दिया. इन द बिगिनिंग हैंडमेड पोट्स वर ड्राई इन द सन एंड यूज. सबसे पहले वो हाथ से बनाए हुए पोट्स को धूप में सुखा करके यूज करता था. लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पोट्स. बेकिंग ऑन फायर गिव लस्टर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स. अब जब पकाना शुरू किया तो वो जो पॉट्स थे उनकी उम्र अधिक होने लगी, अधिक दिन तक चलने लगे. अब इसके बाद स्टोन एज के बाद जब वो पोर्ट्स को मट्टी में पकाता था तो कुछ मेटल वेटल गिर गए होंगे उसके अंदर, जिससे वो लिखा होगा कि अरे ये क्या है, तो अलग धातु उसको मिली. तब मेटल एज की शुरुआत हुई. मेटल एज बिगेन व्हेन मैन स्टार्ट यूजिंग कॉपर टूल्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दिस पीरियड इज नोन एज कैलियोलिथिक पीरियड. कैलियो मीन्स कॉपर. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर बाय मैन. हेंस द स्टोन एज केम टू एन एंड एंड द मेटल एज बिगेन व्हेन मैन स्टार्ट यूजिंग कॉपर टूल इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट दिस पीरियड इज नोन एज कैलियोलिथिक पीरियड. Neolithic period was a step towards the development of civilization. Okay, thank you.